हेलो भाई लो, तो कैसे हैं? वेलकम करता हूँ एक नई फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो सब मशीन गन यानी SMG एमओ वाली जो गन्स हैं उनके कुछ वीकनेस बताऊंगा और कुछ स्ट्रेंथ्स बताऊंगा। इसका जो है रिकॉयल कंट्रोल कैसे करें सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप फ्री फायर खेलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। मैं बता दूँ आज की इस वीडियो में जो है मैं इसका रिकॉयल कंट्रोल कैसे करते हैं, इसमें कौन से डिसएडवांटेज यानी वीकनेस कौन थे, स्ट्रेंथ्स कौन थे, सबके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आज की हमारी लिस्ट में जो है 4 गन आती हैं जो कि ज़्यादा बंदे यूज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर पे MP5, दूसरे नंबर पे UMP और तीसरे नंबर पे थॉमसन और फोर्थ नंबर पे हर किसी प्लेयर की फेवरेट गन MP40। तो इनके जो हैं वीकनेस कौन से हैं, स्ट्रेंथ कौन से हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो इसका जो है रिकॉयल कंट्रोल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MP5 की, जो कि एक बहुत ही अच्छी गन है। तो इसके सबसे पहले आप जो है एडवांटेज सुन लो, स्ट्रेंथ जो है वो सुन लो। तो उसका जो है स्ट्रेंथ है लॉन्ग रेंज पे अच्छा काम कर लेती है। लॉन्ग रेंज का बहुत ही है, अगर बंदा बहुत दूर है यानी 50 मीटर नहीं 30 मीटर या 35 मीटर की दूरी पे है, तो ये जो है एनमी को बहुत ही अच्छा डैमेज दे देगी, बहुत ही अच्छा डैमेज जो है बंदे को दे देती है। तो उसके बाद जो है इसकी दूसरी स्ट्रेंथ है वो है इसका रिकॉयल और एक्यूरेसी, मतलब ये रिकॉयल बहुत ही कम करती है थॉमसन के मुकाबले MP40 या UMP के मुकाबले, जो है बहुत ही कम रिकॉयल करती है। और एक्यूरेसी इसकी बहुत ही अच्छी है, जो कि ये 15 से 20 बुलेट्स फायर करने के बाद ही है जो आड़ी टेढ़ी जाती है, उसके पहले जो है इसका रिकॉयल बहुत ही कम रहता है, रिकॉयल करती नहीं है। तो और इसका एक एडवांटेज सुन लो कि इसका जो है नया अटैचमेंट आया आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक बूस्टर। तो ये जो है इसका फायर रेट जो है बहुत ही ओपी कर देता है, यानी कैडा वाला फायर रेट उसका चलने लग जाता है और बंदे को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो इसको फायर कर देती है, यानी बंदे को बहुत ही अच्छा डैमेज देती है। इसकी जो है वीकनेस आप सुन लो, जो कि बहुत ही ख़राब वीकनेस है, ये जो है आर्म पेनिट्रेशन इसका बहुत ही कम है, यानी अगर आप अगर बंदे के पास लेवल 3 या लेवल 4 का वेस्ट है तो आप उसको कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो है 7 या 12 का डैमेज देगी। अगर आप बहुत क्लोज रेंज में, अगर आप बिल्कुल 7 हो तो 12 का डैमेज देगी, थोड़ा बहुत दूर है ना 10 मीटर की दूरी पर तो 7 का डैमेज देगी। तो मतलब कुछ नहीं लेने का, आप अगर पूरी जो है 2 मैगजीन भी खाली कर दोगे तो वो बंदा आपको 5 से 6 बुलेट, अगर उसके पास वो अच्छी गन है तो 6 या 10 बुलेट में आपको ख़त्म कर देगा। तो ये बहुत ही ख़राब बात है, इसका जो आर्म पेनिट्रेशन नहीं है। तो इसको बंदे ज़्यादा जो है ट्रेनिंग मोड और क्लासिकार्ड में यूज़ करते हैं, और क्लासिकार्ड में भी सेकंड राउंड में, क्योंकि वो सबके जो है बंदे को किसी बंदे को ज़्यादा वेस्ट नहीं मिलती है, तो हर कोई बंदा जो है इसी को यूज़ करता है। तो बाकी रैंक में तो आप बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि रैंक में अगर किसी को वेस्ट मिल गया और आप सामने आ गए तो वो आपको आराम से मार के चले जाएगा और आप उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अब बात करते हैं हम नंबर 3 गन के बारे में, जिसका नाम है UMP। ये बहुत ही अच्छी गन है, ये जो है डैमेज है, इसका सबसे पहले स्ट्रेंथ जो है डैमेज है मिड रेंज में अगर आप, तो ये बहुत ही अच्छा डैमेज देती है, बहुत ही कैडा वाला डैमेज देती है, अगले बंदे को 10 या 15 बुलेट में जो है ख़त्म कर देगी अगर आप जो है मिड रेंज या क्लोज रेंज में हो। तो इसका जो है ये सबसे पहला एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये जो आर्म पेनिट्रेशन, अगर बंदे के पास लेवल 3 या लेवल 4 का भी वेस्ट है तो उसको जो है फाड़ के चली जाएगी, यानी बहुत ही अच्छा डैमेज देगी। अगर उसके पास लेवल 3 या लेवल 4 का भी वेस्ट है तब भी आप उसको जो है आराम से जो है मार सकते हो। तो ये तो इसके जो 2 स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं वीकनेस के बारे में, जो कि बहुत ही ख़राब वीकनेस है, ये जो है सबसे ज़्यादा रिकॉयल करती है बाकी गन्स के मुकाबले में, जैसे कि थॉमसन है, MP40 है और MP5 है, इनके मुकाबले में सबसे ज़्यादा रिकॉयल करने वाली सब मशीन गन में से यही आती है, सबसे ज़्यादा रिकॉयल यही करती है। आप जो 5 या 6 आप उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आपके पास थॉमसन है क्लोज रेंज में, इसका आर्म पेनिट्रेशन भी कम है और उसकी
तीसरी एडवांटेज ये है कि इसका जो है स्कोप नहीं है, आप फायर कर सकते हो लॉन्ग रेंज पे भी उसको अच्छा डैमेज दे सकते हो, तो इसका जो है क्लोज स्कोप नहीं है, तो ये भी डिसएडवांटेज है। कोई भी काम नहीं है, तो उसका स्पेंसर से पहले आप हाई रेट है, बहुत ही ओपी वाला हाई रेट है, उसके बाद स्पेंसर आ जाएगा, फिर है नॉर्मल स्पीड इसकी बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगर आप इसे हाथ में लेकर आप तो अगर आप स्पेंसर करने का नहीं आता या फायर करने का तो भी तेज बात में आप स्पेंसर करने का नहीं आता और वो बंद कर सकते हैं, तो ये प्लेस के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से जो है फायर रेट जो है बहुत ही ज्यादा है, फायर रेट इसका ओपी वाला फायर रेट है, तो इसका जो है मैगजीन है बहुत ही कम मैगजीन, आपको पता ही होगा यानी एक रिलोडिंग भी है कितनी फायर कर सकती है, तो इसका मैगजीन बहुत ही कम है। अगर आप लेवल 3 का करके और मोमेंटिंग स्पीड में जो है मोमेंट करते वक्त ही फायर करते हैं, तो जो है इसे आप फायर बॉट और बैकवर्ड बात है कम रिकॉइल होगा, जो कि यूएमपी जो है वो ज़्यादा रिकॉइल करती है। अगर आप जो है फॉरग्रिप लगा लेते हो तो 10 मिनट से 9 मिनट के बाद फिर भी रिकॉइल करने लगेगा।